नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगाते हैं और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आरटीआई कैसे लगाते हैं। चूंकि देखिए, जब मैं डीजीटी को मेल करता हूं या उनसे मैं बात करता हूं तो वो क्या बोलते हैं कि सर सारे काम हो गए हैं, कुछ ही लोगों का बचा है, 2-4% बचा हुआ है, वो हम उसको कर रहे हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं और कर देंगे हम इस महीने में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा है, तो हम जड़ तक जानना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आरटीआई लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कल के वीडियो में मैंने क्या दिखाया था कि बहुत सारे हजारों लड़के ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और झारखंड के, बिहार के, कि जिनको एग्जाम तो हुआ लेकिन भले उनका एनसीबीटी का एडमिट कार्ड था, एससीबीटी का एडमिट कार्ड था, लेकिन आईटीआई के गलती के कारण पोर्टल पे नहीं किया गया, अप्रूवल नहीं किया गया, जिसके कारण लड़के माइनस बना रहे और माइनस बना आ जाने के कारण ये बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि आगे आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आरटीआई लगाओगे तो आपके पास सबूत रहेगा। उस सबूत को जब मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, डीजीटी को दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, तब जाकर के सोल्यूशन होगा और नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आरटीआई कैसे लगाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। गूगल पे जाइए, आरटीआई ऑनलाइन करिए, इसके बाद आरटीआई ऑनलाइन का ये पेज खुलेगा। इसको ऐसे कर दीजिए आप, यहाँ पे इसको आप सबमिट करवाइए, यहाँ पे इसको एग्री करिए आप, फिर इसके बाद सबमिट का बटन दबा दीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले सर्च पब्लिक अथॉरिटी में जो है तो डीजीटी लिखेंगे आप, तो ये डीजीटी आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप ये भर जाएगा, क्योंकि आपका जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में आता है। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें, ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखें, मोबाइल नंबर के आगे का ये जीरो जरूर हटा दें, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दें और आप मेल हैं। यहाँ पे एड्रेस भरते समय बहुत ध्यान दें कि आप कैसे क्या भर रहे हैं। आप ये यहाँ पे इंडियन भरें, मध्य प्रदेश आप डाल दें, जैसे मैंने ये यहाँ पे अर्बन डाल दिया है, ये डाल दिया है, ग्रेजुएशन डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, इसको बड़े अच्छे से देखें। हाँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशन वाला इसको सेलेक्ट करते समय ध्यान दीजिए को आपको नो करना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब इसके आगे जो मैंने टाइप किया हुआ है, तो जो मैं चीज़ जानना चाहता हूँ वो चीज़ ये देखिए मैंने डाल दिया। कहीं पर भी ये देखिए डॉट स्लैश ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप करिए 9090125 4 और इसको मेक द पेमेंट पे आ जाइए। तो आप मेक पेमेंट पे आ जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से आप जा करके यहाँ से पेमेंट गेटवे में जाएं और इसको पे कर दें तो आपके 10 रुपये जो है तो कट जाएंगे। अब कैसे आपको करना है ये अलग चीज़ है, यूपीआई कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से करोगे तो ये आपका ऐसे आएगा और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म करोगे तो ये देखिए थोड़ा देर लगाता है, स्लो है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका कार्ड का नंबर आ जाएगा, ये डेट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पे आप पे करेंगे। जब जैसे आप पे करेंगे तो आपको जो है तो एक ऐसे करके आ जाएगा कि ये देखिए, जैसे मैंने पे कर दिया है 10 रुपये, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे हमारी जो हमको बीएम माथुर जी हमको बताएंगे वो भी आ जाएगा। यहाँ सेव कर लीजिए, सेव करेंगे तो आपको इस तरह की कोई सी चीज़ें आ जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे चलते हैं, आगे कार्यक्रम को बताते हैं। दूसरी चीजें, बहुत सारे लड़कों की शिकायत आ रही थी कि सर हमारे मार्कशीट जमा हो गए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए, फीस ज्यादा मांगते हैं, प्लेसमेंट के लिए गारंटी है लेकिन प्लेसमेंट नहीं देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप स्टूडेंट आज जानिए आपके 10 अधिकार क्या है। और ये एक प्रोफेशनल है, एनजीओ चलाते हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं, तो आप इनसे पहले सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं आपके 10 अधिकार, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ और न्यूज दूंगा। चलिए पहले इनको सुन लेते हैं। तो अक्सर ही सुनने को मिलता है कि अक्सर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स वो परेशान है कहीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कहीं सर्विसेज को लेकर, कहीं प्लेसमेंट्स को लेकर, रिफंड को लेकर, तो कहीं उनके बिहेवियर को लेकर और बैड एक्टिविटीज को लेकर यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की। तो दोस्तों किस तरह से उन्हें कंप्लेंट करें, किस तरह से हम अपने अधिकारों का चयन करें और क्या है हमारे अधिकार और किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, तो आज मैं बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आपके 10 अधिकार जो कि स्टूडेंट्स के अधिकार हैं। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपके साथ कुछ भी गलत करती है तो क्या है आपके अधिकार और किस तरह से आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं इन कंसर्न अथॉरिटीज को, तो चलिए जानते हैं सब कुछ उसके बारे में।
दोस्तों आप लोगों के बहुत से कमेंट्स थे मेरे पास मेरे पिछली वीडियोस में या मेरे व्हाट्सएप पर या फिर मेरे फेसबुक पेजेस पर कि मैं बताऊं आप लोगों को कि क्या ये कॉलेजेस या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं क्या ये आती हैं कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आया था 1986 में, इसके अंदर सभी कॉलेजेस और सभी यूनिवर्सिटीज ये सभी सिर्फ एक सर्विस एजेंसीज हैं जिसमें कि स्टूडेंट एक कंज्यूमर है। अगर स्टूडेंट जा कंप्लेंट कर दे तो उसकी सुनवाई बिल्कुल की जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई जाके स्टूडेंट कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 12 में और सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3A के अंदर। ये अधिकार मिल जाता है स्टूडेंट को कि उसकी जो भी उसने कंप्लेंट की है कंज्यूमर फोरम में जाकर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उसका मिनिमम 3 महीने या मैक्सिमम 5 महीने के अंदर अंदर उसकी उस सुनवाई उसके उस केस का निपटारा कर दिया जाए। और उसी की वो टाइम लिमिट भी दी गई है कि मान लीजिए आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ है, सर्विसेज नहीं मिली हैं, जो भी कुछ आपके साथ में हुआ है, तो जब आप उसके लिए कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट आप कर सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर या फिर अगर 2 साल बीत गए हैं तो उसके बाद भी। और जिसकी कंप्लेंट आप जाकर करेंगे सेक्शन 24A में, 24A में आप बताएंगे कि उनके साथ में क्या हुआ, सर्विसेज नहीं मिली या क्या कुछ रीजंस थे जिसके बारे में आप कंप्लेंट करने आए हैं कंज्यूमर कोर्ट में उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जो कि था उस्मानिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जो कि 2003 में आया था और 3 जजेस की बेंच ने इसको सुनाया था। और बताया गया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेजेस हैं, जितने भी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन देती हैं, वो सभी आती हैं एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर और उन लोगों पर भी उस कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी कंज्यूमर उनकी कंप्लेंट करता है या वो सर्विस देने में किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं या फीस एक साथ मानते हैं। ये भी आपके अधिकार है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं अभी इसी वीडियो में। दूसरा आप लोगों का अधिकार है प्लेसमेंट। जैसे प्लेसमेंट में अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस आप लोगों से झूठ बोलकर एडमिशन ले लेते हैं कि हम लोग आपकी प्लेसमेंट कराएंगे यहां पर या वहां पर अच्छी कंपनीज में देंगे, इतनी सैलरी होगी, बट ऐसा कोर्स करने के बाद कंप्लीट नहीं मिलता है, तो यह भी आपका अधिकार है कि अगर उन्होंने गलत आपसे ये कमिटमेंट्स किए हैं तो इसकी कंप्लेंट भी जाकर आप कंज्यूमर फॉर्म में कर सकते हैं। बट बेहतर होगा जैसे मैंने आपको पिछले अपने सब वीडियोस में बताया है कि आप जब किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वो आपको बताता है कि मैं इस कंपनी में आपको प्लेसमेंट दूंगा, तो उस कंपनी में पहले आप मेल करें और पूछें कि इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कितने स्टूडेंट्स अब तक प्लेस हुए हैं, उन लोगों की रैंक मिली है या फिर क्या सैलरी पैकेज उन लोगों को मिल रहा है, ताकि आप लोग भी अपने हैंड पर कंफर्म हो सके एडमिशन से पहले। तीसरा आपको अधिकार मिलता है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी किसी भी तरह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रोक सकती है, बेशक से आपकी फीस बकाया है या कुछ भी एक रीजन रहा हो, पर वो कोई भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अपने पास नहीं रख सकती है। दोस्तों बहुत ज्यादा ये हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती हैं, अक्सर कंप्लेंट पहुंचती हैं यूजीसी के पास भी, कंसर्न अथॉरिटीज के पास भी। ज्यादातर जैसे कि मेरे को सुनने में मिला है कि हरियाणा से जो बीएड होती है, बीएड के एडमिशन जो स्टूडेंट्स ले लेते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू, और कंसल्टेंट या कॉलेज जो बीच में लोगों की ट्यूनिंग होती है वो बिगड़ जाती है, तो वो कॉलेज वाला आपके डॉक्यूमेंट्स रोक लेता है। क्या वो डॉक्यूमेंट आपके रोक सकता है? नहीं, वो एक इलीगल चीज है अगर वो डॉक्यूमेंट आपके रोकता है। वो डॉक्यूमेंट किसी भी सूरत में आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकता है। जिस तरह से आप लोग लगातार मुझे कमेंट में डालते हो कि सर हमने इस यूनिवर्सिटी को अपने माइग्रेशन प्रोविजनल या कोई भी डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई किए बट वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो ये इलीगल है। आप इसके बारे में अगर आवाज अपनी उठाए तो आपको बिल्कुल अधिकार इसका दिया गया है, संविधान में अधिकार है। और आपको मैं बता दूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान, जिसका आर्टिकल 19 जो कि आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जाइए और उनको बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं और एक्सप्रेशन जो आपको देना है आप जाके दीजिए, जिस भी तरह से आपको बात करना है, ये अधिकार आपको आपका संविधान देता है। तो आप किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट को अगर रोकता है, जाके उनसे आर्ग्यूमेंट कीजिए, बोलिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और आपको मिलेंगे। दोस्तों ऐसे न जाने कितने ही स्टूडेंट्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी कॉलेजेस, किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से अपने कोर्सेज किए और वो आज तक परेशान है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर, या और भी बहुत सारी चीजें हैं कि ये कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने उनकी पेमेंट ही रिफंड नहीं करी या गलत कमिटमेंट्स किए या उन्हें कंप्लेंट करनी है कंज्यूमर फॉर्म में जाकर। अगला आता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी तरह की, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग पहले प्रॉमिस करते हैं कि हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, हमारे पास तो जो फैकल्टीज हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, और भी ब्ला ब्ला बहुत तरह की कमिटमेंट्स होते हैं, बट जब आप एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन के बाद जाके देखते हो वो सब कमिटमेंट्स सारे अधूरे होते, तो ये भी एक आपका अधिकार है कि उसी वक्त आप उनको बोले और उस कंप्लेंट उनकी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपका अधिकार है इस पर बोलने का। दोस्तों एक और जजमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, जो भूपेश खुराना वर्सेज बुद्धिस्ट
मिशन डेंटल कॉलेज के में कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स इसके बारे में एक जजमेंट ये आया था क्योंकि उस कॉलेज ने गलत बोलकर या झूठी इन्फॉर्मेशन देकर एडमिशन्स ले लिए थे अपने कॉलेज में। उसके बाद जब ये केस जब कोर्ट पहुंचा तो वहां से एक जजमेंट आया कि आपने रॉन्गफुल कमिटमेंट के साथ में एडमिशन्स लिए हैं, और रॉन्गफुल किसी भी तरह का अगर आपके साथ में गलत इन्फॉर्मेशन देकर एडमिशन लिया जाता है तो वो एक इलीगल एडमिशन होगा, उसकी कंप्लेंट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज को। जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन लिया, हमारे पास अभी कुछ दिनों से जैसे कि कुछ कंप्लेंट आई थी, कुछ कॉलेज ने MBBS में एडमिशन ले लिए स्टूडेंट्स ने उन कॉलेजेस में, और कुछ टाइम के बाद देखा कि उनकी अप्रूवल मान्यता थी नहीं, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। NCERT कीजिए, UGCU कीजिए, और भी जो कंसर्न अथॉरिटीज बनती हैं उन सबको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति से सब कुछ उससे आप छीन सकते हो, उसकी धन दौलत पैसा जायदाद सब कुछ आप छीन सकते हो, और उसका ज्ञान उससे आप कभी नहीं छीन सकते। तो इसीलिए अपने आप को ज्ञान दीजिए, अपने आप को साक्षर बनाइए, अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए, और जानिए अपने अधिकारों को। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है, कानून के बारे में पता है, संविधान के बारे में पता है, तो मैं नहीं मानता कोई भी आपके अधिकारों का किसी भी तरह से हनन कर सकता है या आपको किसी भी तरह की परेशानी पहुंचा सकता है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन तो ये बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको परेशानियां होती हैं, उसके लिए हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, हमारी NGO है आपकी मदद करने के लिए। अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दीजिए, अपने आप को ज्यादा जानकार बनाइए। अगला अधिकार है टाइमली क्लासेस को स्टार्ट करवा देना। कि मान लीजिए आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर चाहे वो BEd का हो, चाहे वो BTech का हो, या किसी भी कोर्स का हो, आपने एडमिशन लिया, टाइमली वहां क्लासेस शुरू नहीं हो रही है, तो वो भी आपका एक अधिकार है। आप उनसे बोलिए कि हमारी टाइम से टाइमली क्लास स्टार्ट की जाए। अगर वो टाइमली क्लासेस आपके स्टार्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए एडमिशन स्टार्ट हुआ, साइकिल शुरू होना था आपका अगस्त से, अगस्त का नवंबर तक भी बैच शुरू नहीं हुआ, तो ये आपका अधिकार है, उनको बोलिए। तो आप चाहें तो क्लास में एक ही स्टूडेंट हो एक कोर्स में, तो भी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को क्लासेस स्टार्ट करनी होगी, और ये आपका अधिकार है, और कॉलेज किसी भी तरह से इससे आपको वंचित नहीं करा सकता, और ना ही आपको मना कर सकता है, और ना ही वो कहीं ट्रांसफर कर सकता है। तो आपको क्लास देना उसको देनी पड़ेगी, वो कंपेल्ड है और वो बाउंड है इस चीज के लिए। दोस्तों हर तरह की फैसिलिटीज मिलता है, हर तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी को आपको मिलना, ये आपका अधिकार है। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, पहले तो आप ये सब चीज देखकर एडमिशन ले कि जो फैसिलिटीज की वादा शुरू में किया गया क्या वो सब आपको मिलेंगी, और आपको अगर नहीं मिलती है तो इसके लिए आप डिमांड कीजिए, और क्योंकि आपका अधिकार बन जाता है सब तरह की फैसिलिटीज लेना। या मान लीजिए लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, या वहां बेंचेस ठीक नहीं है, क्लास का एनवायरमेंट ठीक नहीं है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी तरह की समस्या आपको अगर आती है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी कंप्लेंट कीजिए, और कंप्लेंट करने के बाद वो आपकी जो भी सुविधाएं हैं वो आपको दी जाएंगी, क्योंकि आपका ये अधिकार है। दोस्तों कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कोर्स की फीस आपसे एक साथ नहीं मांग सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये चीज एक इलीगल होगा, और अगर इलीगल में अगर कोई आपसे पूछा है पैसा पूरा आपने दे दिया है, तो आप उस पैसे को वापस रिफंड की डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर ही देखा गया है कि ज्यादातर कई यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि PhD का एडमिशन लेते हैं, और वो उन लोगों का एक साल के अंदर ही जब तक कोर्स वर्क के एग्जाम होते हैं पूरी फीस डिमांड करते हैं, जो कि इलीगल है। वो ऐसे फीस नहीं ले सकते, वो एक सेशन की फीस ले सकते हैं एक साथ, या एक सेमेस्टर या पूरे एक साल की फीस एक साथ ले सकते हैं, बट हम बात करें पूरे कोर्स की फीस एक साथ लेना, वो इलीगल है। आप इस चीज का बिल्कुल विरोध करें, और बिल्कुल भी इस तरह से आप फीस किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ना दें। जैसे कि D Pharmacy में लोग एडमिशन लेते हैं पूरी फीस एक साथ देते हैं, दो साल का कोर्स होता है। BEd में लोग एडमिशन लेते हैं पूरे साल की फीस एक साथ देते हैं, दो साल की फीस एक साथ देते हैं, वो भी इलीगल है। चाहे वो PhD चाहे फिर कोई भी कोर्स हो, जो भी कोर्स 2 या 3, 4, 5 साल का है, पूरी फीस एक साथ आपसे कॉलेज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नहीं मांग सकते हैं। आप इसका विरोध करें, आपका अधिकार है, आप वो फीस सिस्टमेटिकली ईयर वाइज ईयर या सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर दें। दोस्तों आपने किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में अगर आपकी उसकी जो सुविधाएं वो आपको दे रहे हैं उन सब में किसी भी तरह से आप डिससेटिस्फाई हैं, तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, और उन लोगों को पूरी फीस आपको रिफंड करनी होगी, जो कि आपका अधिकार है। बट मैंने अक्सर देखा है कि एडमिशन लेने के बाद में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस फीस को वापस नहीं करते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्टस या हमारे गजट के हिसाब से ये चीज़ अलाउ नहीं होती है, हम पूरी फीस आपको रिफंड नहीं करेंगे, और हमारे पास तो फीस रिफंड करने का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप कोई एडमिशन ना लेना चाहे, कंटिन्यू ना करना चाहे, तो उसकी फीस वापस करनी होगी। आप इसकी आवाज़ उठा सकते हैं, और मान लीजिए आपने एक महीने क्लास ली है तो एक महीने की कुछ फीस काट ली जाएगी, और बाकी पेमेंट आपकी वापस की जाएगी, आपका अधिकार है, आप इसके लिए भी खड़े हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने, और हमारे पूरे समाज ने स्टूडेंट्स को बहुत तरह के अधिकार दिए हैं, बट सभी अधिकारों को एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। बट जो मैंने अधिकार आपको ये बताए हैं 10 आपके अधिकार, इन सब का भी आप अगर प्रयोग करते
करते हैं, इनमें से खास जो आपके बहुत काम की चीजें हैं उनको आप जरूर आप याद रखें। पहला है जो कंज्यूमर फॉर्म, कंज्यूमर कोर्ट में जो कंप्लेंट करते हैं वो बिल्कुल आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स लेने का अधिकार, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आपको किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से चाहिए आप बिल्कुल लें, वो आपको मना किसी भी सूरत में नहीं कर सकता है। तीसरी बात, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रख सकता है। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपसे एक साथ फीस नहीं ले सकती है, फीस आप हमेशा उन लोगों को इंस्टॉलमेंट पे ईयर वाइज ईयर या सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर ही दें। आप चाहें तो एडमिशन जब मर्जी अपना विड्रॉ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कभी भी आपको मना नहीं कर सकती कि हम आपकी फीस रिफंड नहीं करेंगे। तो ये सब अगर एक्टिविटीज होती हैं कहीं पर ही तो सब कुछ इलीगल है, आप इसका बिल्कुल विरोध करें। अगर आप ठीक हैं तो अपनी आवाज को उठाएं, अपनी आवाज उठाएंगे तो ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से लोगों से वसूली करते हैं और अपने इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने भी हमें बताया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं ये सिर्फ एक सर्विस एजेंसीज हैं, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हैं, जो एजुकेशन संस्थान हैं सभी ये सर्विस एजेंसी में आते हैं और आप उन्हें कंज्यूमर हैं, तो ये आपको फैसिलिटीज देने से मना नहीं कर सकते। चलिए, आपके ये 10 अधिकार हो गए और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये चाहे ITI के स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज को हो, चाहे यूनिवर्सिटी को हो, चाहे स्कूल के लिए हो, सारे बच्चों के लिए ये नियम लागू होता है। ये आपके अधिकार बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मंडे को मेरी बात होगी DGT के अफसरों से, तो मैं उनसे पूछूंगा और जितने आप लोगों ने कमेंट किया है, क्योंकि शनिवार और इतवार को छुट्टी रहती है वहाँ तो वो मैं नहीं पहुँचा पाता हूँ, तो मंडे को जो चीज़ें बनेगी, मंडे को जो मैं भेजूंगा तो उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या सर का जवाब है, क्या नहीं है। मैं सबूत देना चाहता हूँ DGT को, मैं सबूत देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। और एक बार आप सभी का मुद्दा मैं उठाऊंगा, चाहे वो -1 वाले हों, 0 CVT डाटा नॉट अपलोड वाले हों, ग्रेस मार्क्स वाले हों, ED प्रैक्टिकल वाले हों या कोई भी स्टूडेंट हो, और मैं आखिरी लड़ाई तक लड़ता रहता हूं और बहुत सारे लोगों का काम हो रहा है, आप लोग बहुत कम बचे हो तो उनको भी देख लेता हूं कि अगर एक्चुअली में गलती कहां पे है, किसने गलती किया है। और ये आपके करियर के लिए जानना बहुत जरूरी है, कहीं आपके साथ में ITI वाला गलत कर रहा है या स्टेट वाला कर रहा है या फिर जो है तो नोडल वाला कर रहा है। अगर ITI वाला गलत किया है ना, तब फिर नहीं होगा कुछ, और नोडल और अगर स्टेट वाले ने किया है, DGT ने किया है, तो उस काम को करवा लिया जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, RTI कैसे लगाते हैं आपने देख लिया और 10 अधिकार आपके, ठीक है। तो और जगह पे आप नोडल पे जाइए और नोडल पे जो है तो ऑफलाइन आप जो है तो लगा दीजिए, आप जा करके वहाँ पे लगा दीजिए, स्टेट पे लगा दीजिए। और एक बात हो कि कल मैं शायद आप लोगों को, बहुत सारे परेशान हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो यहाँ के जो स्टेट डायरेक्टर हैं ना और यहाँ के जो प्रमुख सचिव हैं, तो उनकी वेबसाइट का नाम और उनके मोबाइल नंबर और कौन यहाँ पे हैं, कहाँ शिकायत करिए आप अपनी, वो चीज़ बताऊंगा। मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना, मेरा काम है कि आप जो है तो किसी के बहकावे में मत आएं, किसी के बात में न पड़े, आप खुद लड़ाई लड़ें। और अब लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपके साथ गलत होगा हमेशा के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो सचेत हो जाइए। और हमारा काम ही है ITI की शिक्षा को बढ़ावा देना और ईमानदारी से साक्ष और सबूत के साथ में शोध दिखाना, यही मेरी ड्यूटी है और यही मेरे चैनल का जो है तो मेन ध्येय है। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, ITI टॉक शो देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और दूसरों को भी, जो लड़के नहीं जान रहे हैं इसके बारे में तो दूसरे को भी बताइए और ITI वाले को भी बताइए कि हमारे क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, ताकि उनको भी पता चले। इसलिए थोड़ा सा एक डर बनेगा, एक भय बनेगा और एक अवेयरनेस आएगी, हमारा मेन मकसद यही। आज का दिन भी शुभ हो, आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।